लो ये लीजिए 1000 रुपए। चलिए बाकी के 49 कहाँ डालोगे? तुम्हें सारी शर्म नहीं आ रही? तुम एक 1000 रुपये दे रहे, सारी 50,000 की बात चल रही है, 1000 रुपये दे रहे। ऐसे पैसा हम सारे छूते नहीं है। 50,000 बहुत ज्यादा है, एक काम कीजिए 5000 में डन कीजिए। तुम सारे कहते भेड़ बकरियां खरीदने आए हो का? इतना मोल भाव कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम हमारी कान खोल के बात सुन लो, 50,000 रुपये से 1 पैसा सारे हम कम ना लेंगे बस। अरे भाई हमारी प्रॉब्लम तो समझने की कोशिश करो यार। वो ये समझ रहे दादा, नहीं तो अब तक तुम्हें सारे घसीट के हम थाने ले जाते। ये काहे हुज्जत कर रहे, दे दीजिए ना 50,000 का प्रॉब्लम है। देखो तुमसे ज्यादा समझदार तो भाभी अंगूरी है, बुद्धि में घुसी तो मार के चले पर। नहीं नहीं दीजिए दीजिए 50,000। जो आदमी हिंट भी नहीं समझ रहा हमारी। एक मिनट दे रहे हैं ना, तो 200 के लायक भी नहीं है, फिर भी चलो। देख रही भाभी अंगूरी, गड्डी जेब में आ रखे तो जो आदमी वहाँ भी रखिए ऊपर, और आप जहाँ बैठे वहाँ भी बहुत है। ये कभी ज्यादा ही समझदार है। ये लीजिए। हट, तुम सारे हमें मतलब ऑन ड्यूटी रिश्वत दे रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और कान खोल के मैं बात सुन लो, 50,000 रुपया तो का दरोगा अपू सिंह सारे 5 लाख रुपया पे भी नहीं बिकतो। भाई तो 50,000 में बिक रहे थे आप। बिक ना रहे थे भाभी अंगूरी, हम जो आदमी को देख रहे थे कि जो कितनो नीच और गिरो भाव आदमी है। अपू सिंह जी यहाँ एग्जाम्स चल रहा है क्या, जो आप बिक रहे थे या देख रहे थे? आप अरेस्ट करिए ना तुम चुपचाप इनको, तिवारी जी को। देखिए अनीता जी, आप ऐसा ना कीजिए, हमको पकड़ के ले चलिए, हम हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए लड्डू के भैया को। सॉरी अंगूरी जी, लेकिन रंगे हाथ तिवारी जी पकड़े गए थे, आप नहीं सुबह, सो आप प्लीज इनको अरेस्ट कीजिए। माफी चाहेंगे भाभी। तिवारी जो हरकत आपने की है ना, उसके लिए मैं आपको माफ तो नहीं लेकिन हाफ जरूर कर दूंगी। आप गोरी में बिल्कुल कष्ट ना करो, अब साफ और हाफ हम इन्हें बढ़िया थाने में करेंगे। करिए करिए। ना कितनी आओ, नोट ना दिखाइए सारे हमें आज की बात। चलो अरे दिया, हम मामा जी को कॉल करते हैं। चलो बस तुम चुपचाप। अनु मैं नहीं जाऊंगा यार, दिस इज वेरी अनफेयर। तुम चलो। तरीका यार, तुम मुझे कमरे में बंद कर रही हो यार, ये तरीका है नहीं यार, मैं नहीं जाऊं। अनु प्लीज यार, अनु डोंट डू दिस, अनु प्लीज, अनु प्लीज डोंट डू दिस यार। अनु क्या हुआ? तुम वही रहो, तुम उसी लायक हो, घर से बाहर ना कदम मत निकालना। आप चलिए मैं बताती हूँ। हाँ बता। चाचा जी विभू अब यहाँ से ना बाहर निकलने ना पाए, वरना फिर से चीनी के जाल में फंस जाएगा। नहीं सच कह रही है तू, ये चीनी जो है अपने जाल में फंसा के ही रहती है, आदमी कितनी भी कोशिश करे लेकिन ये उसका पीछा नहीं छोड़ती। चाचा जी आप खामखाना इस चीनी से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम चीनी से जितना डरेंगे ये चीनी हमें उतना डराएगी, लिहाजा हमें इस चीनी का ना डट के मुकाबला करना होगा। ये बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन ये चीनी की ना ये रूप बदलने की आदत तू नहीं जानती, बड़ी अलग ही है। देख अगर तू इसे रबड़ी में देखेगी पकड़ेगी फौरन, क्या फौरन ही जो है जलेबी का रूप ले लेगी, जलेबी में पकड़ेगी तो बालूशाही का रूप ले लेगी, बालूशाही में पकड़ेगी तो ये बर्फी का रूप ले लेगी, बर्फी में पकड़ेगी इमरती का रूप ले लेगी, इमरती में पकड़ेगी तो ये फौरन गुलाब जामुन का रूप ले लेगी। चाचा जी ये चीनी चाहे जिस रूप में हमारे सामने आए, लेकिन हमें इस चीनी को विभू के अंदर जाने से रोकना है। देखो उसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? हमें पड़ोसी की चीनी चुरानी पड़ेगी। आप इतने कमाल के आइडियाज लाते कहाँ से हैं? तो आप चुरा लीजिए। मैं चुरा लूं? हाँ? मैं चुराऊंगा तो मैं बहुत पिटूंगा, तू चुराएगी तो तेरा कुछ नहीं होगा, कोई उस तक नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। हेलो चीनी चीनी माफ है चीनी। रखी है चीनी। कोई उठ ना जाए। कहाँ है चीनी? चीनी चीनी चीनी। उपाय की चीनी। तो ये है। अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। आप हमारे घर चीनी चुराने आई थी। आप हमको बोल देती, हम आपके यहाँ एक चीनी का बोरा भिजवा देते। इसका क्या जरूरत है? नहीं नहीं अंगूरी जी, मैं आपके यहाँ चीनी चुराने नहीं आई थी। तो क्या करने आई थी फिर? अंगूरी जी मैं एक एक्शन फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है चींटी वाले चीनी ले जाएंगे। अमृत शकल पे बॉर्डम लिखा है का? नहीं नहीं अंगूरी जी ऐसी कोई बात नहीं है। इतने भी बुद्धू नहीं है हम। आएंगे अभय दारोगा जी आपसे पूछने की आप क्या करने आई थी हमरे यहाँ। भाई भाई अनीता जी वहाँ दरवाजा हुआ है ना, वहां से जाइए। आइडिया